न्यायाधीश राष्ट्रपति कोविंद ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। फीस बढ़ोतरी को लेकर संसद मार्च पर अड़े जेएनयू के छात्र, कैंपस के अंदर बाहर सुरक्षा लेकिन जुटे छात्र। यूपी में मुगलसराय के बाद आगरा का नाम होगा नामकरण, आगरा का नाम अग्रवन रखने की तैयारी, प्रस्ताव को लेकर मांगे गए सबूत। आज से संसद का शीतकालीन सत्र हुआ शुरू। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने किया हंगामा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रखा स्थगन प्रस्ताव। कश्मीर में राजनीति नेताओं की हिरासत में चर्चा को लेकर मांग। संसद सत्र से पहले पीएम मोदी का बयान, सत्र को बताया अहम, कहा हर मुद्दे पर हो चर्चा। पीएम मोदी ने जताई उम्मीद, कहा देश के विकास में अहम होगा सत्र, वाद विवाद और संवाद होना चाहिए। सीआरपीएफ कमांडोज की सुरक्षा में सोनिया गांधी पहुंची संसद, हटाई जा चुकी है एसपीजी सुरक्षा। संसद के बाहर भी सरगर्मियां तेज, नेताओं को हिरासत के खिलाफ पीडीपी सांसदों का गांधी की मूर्ति के पास प्रदर्शन। पीडीपी सांसद मीर फयाज ने कहा 5 अगस्त के फैसले से हर कश्मीरी परेशान, नेताओं की जल्द होनी चाहिए रिहाई। शिवाजी की मूर्ति के बाद शिवसेना का विरोध, किसानों के मुआवजे को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली प्रदूषण पर संसद में प्रदर्शन, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मास्क लगाकर जताया विरोध। साइकिल से संसद पहुंचे बीजेपी के नेता मनोज तिवारी, गंदे पानी को लेकर केजरीवाल पर साधा निशाना। दिल्ली पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र में सरकार गठन के मुद्दे पर सोनिया गांधी के साथ बैठक। शरद पवार ने ट्वीट करके दी जानकारी, 5 बजे होगी मुलाकात, बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सोनिया से होगी चर्चा। शरद पवार ने कहा शिवसेना और बीजेपी का था गठजोड़, शिवसेना बीजेपी को अपना रास्ता तय करना है। सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले कल पवार ने पुणे में एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक साथ में तय की, किया साझा एजेंडा। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बोले संजय राउत, एनडीए को हमने बनाया, ये किसी की संपत्ति नहीं। जेएनयू छात्रों के मार्च को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम सख्त, छात्र संघ संसद तक निकाल रहा है मार्च। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 9 कंपनियां तैनात, दिल्ली पुलिस ने 1200 जवानों की तैनाती की। दिल्ली पुलिस की तरफ से छात्र संघ को मार्च की इजाजत नहीं, पूरे रास्ते पर की गई बैरिकेडिंग। जेएनयू के बाहर लगाई गई धारा 144, जेएनयू जाने वाले सारे रास्ते किए गए बंद। मीडिया कवरेज को लेकर भी पुलिस के निर्देश, पुलिस की तरफ से जारी किया जाएगा पास। पानी की रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल और डॉक्टर हर्षवर्धन के बीच ट्विटर वार, केजरीवाल ने कहा रिपोर्ट झूठी, राजनीति से प्रेरित। पानी को लेकर दिल्ली बीजेपी ने किया हल्ला बोल, 200 जगहों पर विरोध प्रदर्शन, मनीष सिसोदिया के बाहर भी बीजेपी के कार्यकर्ता। दिल्ली के आईटीओ में विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता का प्रदर्शन, दिल्ली के जहरीले पानी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कृष्णा नगर गुरुद्वारे पहुंचे मुख्यमंत्री केजरीवाल, करतारपुर साहिब जाने वाले बुजुर्गों के लिए मुफ्त दर्शन का किया वादा, आने जाने रुकने खाने पीने का बंदोबस्त करेगी दिल्ली सरकार। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया ट्वीट, 35 मीटर से 200 मीटर तक के 2 लाख मकान होंगे नियमित, 10 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस बोबड़े, राष्ट्रपति ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण में मौजूद। यूपी सरकार बदल सकती है आगरा का नाम, अग्रवन रखा जा सकता है। सरकार ने अंबेडकर विश्वविद्यालय से मांगा सबूत, इतिहास विभाग कर रहा है मंथन। यूपी में पराली जलाने वाले 24 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 6 किसान गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म नहीं हुआ अयोध्या विवाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दाखिल करेगा पुनर्विचार याचिका। बोर्ड ने दूसरी जगह पर मस्जिद के लिए जमीन लेने से किया इनकार। पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का रुख पर्सनल लॉ से अलग, कहा नहीं याचिका दाखिल करूंगा। निर्मोही अखाड़े ने जिलाधिकारी अयोध्या के माध्यम से पीएम मोदी को भेजा पत्र। निर्मोही अखाड़े के 5 सदस्यों का दल मिलना चाहता है पीएम से, मांगा समय।
राजस्थान के बीकानेर में दर्दनाक हादसा, 14 की